कांग्रेस के बिजनौर के गांव पावटी बस अड्डे के निकट कपड़े की दुकान में नकाब लगाकर चोर गल्ले में रखी करीब 5,000 की नकदी समेत करीब 2,00,000 रुपए की कीमत के कपड़े व सामान चुरा ले गए। पीड़ित दुकानदार ने मामले की तहरीर पुलिस को दी। गांव शरीफपुर मान निवासी सुमेर सैनी की नूरपुर बिजनौर मार्ग पर गाँव पावटी बस अड्डे के निकट रेडीमेड कपड़े की दुकान है। दुकानदार के अनुसार चोर उसके दुकान की पीछे की दीवार में नकाब लगाकर उसके दुकान के अंदर रखे गल्ले से करीब 5,000 रुपए की नकदी और करीब 2,00,000 रुपए की कीमत का कपड़ा समेत अन्य सामान चुरा ले गए। नकाब लगा देख कुछ लोगों ने मामले की सूचना दुकानदार को दी। पीड़ित दुकानदार ने अपने पड़ोसी दुकानदारों के साथ अहमड़ा पुलिस चौकी पहुंचकर पुलिस का इस मामले में तहरीर दी। उक्त दुकानदारों ने पुलिस से चोरी पर अंकुश लगाए जाने को लेकर रात्रि में गश्त बढ़ाए जाने की मांग की है।